बच्चों आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स, और मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं इनकी हम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा उस टेबल को रटते रहते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको आज के बाद में इस टेबल को रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप केवल एक साइन थीटा की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली सारे जो वैल्यूज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साइन थीटा आपको पता है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नंबर्स लिख दो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना। ये लो 4 से डिवाइड कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 4 से इसको डिवाइड कर दिया। अभी क्या करना है, जो वैल्यू आएगी 4 से डिवाइड किया उसके बाद में इसका रूट कर देना सबका। इसका अंडर रूट कर दिया, इसका भी अंडर रूट कर दिया, इसका भी अंडर रूट कर दिया, और ये भी अंडर रूट हो गया, ठीक। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये 0 आएगा, बताओ ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, ये कितना आएगा, 1/√2 आएगा, ये बताओ कितना आएगा, √3/2, और ये कितना आएगा बताओ, 1, ठीक है। तो वैल्यू जो निकल के आई आपके सामने वो क्या निकल के आई, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आई, नहीं आई। इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ, 1/2 आई। इसकी वैल्यू कितनी आई, कॉस 45 की वैल्यू कितनी आई, 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी आई बताओ, √3/2, और कॉस 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1 आई, ठीक है। तो हम इनको लिख लेते हैं, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 1, ओके। अब आपको साइन थीटा की पूरी वैल्यू पता लग गई कि साइन 0 होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ओके। अभी कोस थीटा को निकालना है, तो बताओ क्या कर सकते हैं, जो हमने उधर लिखा है उसको उल्टा कर देते हैं ना, देखो कैसे, 0 की जगह 1 कर दो, उधर से √3/2 कर दो, ठीक है, फिर क्या कर दो, 1/√2 ही रहता है, तो और ये 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी कोस थीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना है टेन थीटा। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन एंड कोस की वैल्यू पता है आपको, साइन एंड कोस की वैल्यू जैसे 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 1/2 और √3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1/√3/2, ठीक। इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा बताओ। उसके बाद में कोट थीटा, तो आपको पता है ये क्या होता है, 1/tan थीटा। तो tan थीटा की आपने वैल्यू निकाल लिया है, इसका उल्टा करते जाओ, ये 0 है तो इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, √3, ये कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, 1/√3, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक। और उसके बाद में sec थीटा, बताओ sec थीटा क्या होता है, तो ये तो होता है कि सर 1/cos थीटा होता है, ये तो हमें पता है, तो 1/cos थीटा होता है, cos थीटा की वैल्यू ये रही, इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया तो 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका कितना हो जाएगा, 2/√3, इसका कितना हो जाएगा, √2, इसका कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। लास्ट बचा आपका cosec थीटा, क्या होता है, 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा, तो साइन की वैल्यू देख लो, इसका उल्टा कर दो, 1/0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/√3, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो बताओ इसमें क्या आपको प्रॉब्लम आई, केवल आपको साइन थीटा की एक बार वैल्यू पता लग गई, तो उसके बाद में पूरी जो टेबल है वो आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है बच्चों, तो आपको इसको शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और चैनल हमारा जो है फिजिक्स विद कृष्णा, उसको सब्सक्राइब करना है।